नरेंद्र मोदी जी आपके साथ बजरंग बली भी नहीं रहे। बजरंग बली को लगा कि पूरी दुनिया आस्था की ताकत के रूप में हमें भगवान के रूप में मानते हैं और आपने उन्हें बजरंग दल के साथ जोड़ दिया। राहुल गांधी के उस यात्रा का है जिन्होंने दिल जोड़ने 4600 किलोमीटर निकले थे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉरनेशन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी को करारी हार मिली है और अब इस हार पर जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने भी अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल पप्पू यादव आज बिहार के मधेपुरा में थे जहां पर पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि बीजेपी को हार मिली है कर्नाटक विधानसभा चुनाव में, आप क्या कहेंगे? तो पप्पू यादव ने कहा कि बजरंग वाले भी जो हैं वो अब पीएम मोदी के साथ नहीं है। बीजेपी नफरत की राजनीति करती है और लोगों ने करारा तमाचा जो है वो बीजेपी को जड़ दिया है और ये बहुत कुछ कह रहे हैं पप्पू यादव। विस्तार से उनका बयान सुनिए। चलिए 2024 का एक संदेश, आज शनिवार और बजरंग दल बजरंग बली का दिन, शायद नरेंद्र मोदी जी आपके साथ बजरंग बली भी नहीं रहे। बजरंग बली को लगा कि पूरी दुनिया आस्था की ताकत के रूप में हमें भगवान के रूप में मानते हैं और आपने उन्हें बजरंग दल के साथ जोड़ दिया। कब तक पाप का घड़ा नहीं फूटेगा, फूटना तो तय है। कभी कार सेवक, कभी पुलवामा, और फिर कभी केरला स्टोरी, तो फिर कश्मीर फाइल। उसके बावजूद भी पूरे नफरत के बाद आप और आपकी टीम ने और पूरी की पूरी पूंजीपति परिवार आपके लगने के बावजूद आप कर्नाटक को नफरत के जहर में नहीं घोल पाए। यह जीत राहुल गांधी के उस यात्रा का है जिन्होंने दिल जोड़ने 4600 किलोमीटर निकले थे। यह जीत उस विचारधारा की है जो लोग हिंदुस्तान में कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, एक ही परिवार वसुधैव कुटुंबकम के भाव से जीना चाहता है और संविधान को अपनी जीवन का आत्मसात कर भारत को सर्वोच्च देखना चाहता है, भारत को सर्वशक्तिमान देखना चाहता है, भारत को अर्थव्यवस्था की दुनिया का सबसे नया बनाना चाहता हूँ कि है जिन्होंने राइट ऑफ एजुकेशन, राइट ऑफ हेल्थ, राइट ऑफ जस्टिस एंड राइट ऑफ ह्यूमैनिटी के आधार पर एक संदेश दिया। सबसे बड़ा प्रदेश कर्नाटक, मोदी जी अब बहुत हो चुका नफरत। 10 सालों में आपने कभी महंगाई पर चर्चा नहीं की, कभी रोजगार पे चर्चा नहीं की, कभी 2 करोड़ पे चर्चा नहीं की। सबक है पूरे देश के 2024 के लिए और विपक्ष को भी एक होने के लिए। मैं बधाई देता हूं उस यात्रा के लिए अथक प्रयास करने वाले राहुल गांधी को, मैं बधाई देता हूं प्रियंका गांधी को जिन्होंने एक नैरेटिव तय किया विकास का, मैं बधाई देता हूं उस वर्कर को जो नफरत के झांसे में नहीं आए और देश के संविधान को सर्वोच्च मानने के लिए उन्होंने कर्नाटक में जीत दिलाई। इसके लिए कर्नाटक की जनता को बधाई।